भाइयों की बहनों आपका स्वागत है ब्लैक किंग नहीं क्या था ब्लैक मिथ वुकोंग के ऑफिशियल गेम प्ले ट्रेलर में। ये एक ऐसी गेम है जो जिसके लिए मेरे में बहुत ही वो है, मैं एक्साइटमेंट है, मेरे को लगता है गेम बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही कमाल होने वाली है, बहुत ही हीरोइक होने वाली है, बहुत ही शानदार बहुत ही स्मार्ट मतलब कुदरत का कहर होने वाली है, स्टाइल होने वाली है। स्टाइल बोलते हैं क्योंकि मैंने इस गेम के पहले इसके डेमो आए थे, गेम प्ले आए थे जो कि बहुत ही सही थे, बहुत ही कमाल थे, और मेरे को लगा यार ये गेम तो आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। मेरे को उस टाइम लगा गेम रिलीज हुई है, पर मेरे को बाद में पता चला कि ये गेम बहुत ही लेट रिलीज होनी थी, उसके उन्होंने डेमो वगैरह पहले निकाल दिए थे जो कि बहुत ही सही थे, बहुत ही कमाल थे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल थे। तो अब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, मेरे साथ गेम रिलीज होने वाली है, इस साल होनी है शायद अगले साल होनी है वो नहीं मेरे को पता, पर अब गेम रिलीज होने वाली है और मैं इस गेम के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। चाहे मैं ये गेम ना खेल पाऊं पर मैं शायद ये गेम देखूंगा जरूर, शायद किसी और के गेम प्ले मेरे को देखने पड़े, शायद किसी और के वक्त मेरे को देखने पड़े, ये गेम बहुत देखूंगा क्योंकि ये गेम मेरे को लगता है बहुत ही सही होने वाली है। उसके बॉस लेवल बहुत तगड़े हैं, इसमें मंकी किंग सबसे सही चीज़ मेरे को मंकी किंग जो उसका स्टाइल है वो है इसमें, वो चीज़ बड़ी सही होने वाली है। बाकी इसके बॉस लेवल वैसे बहुत तगड़े हैं, उसके स्टेज वगैरह एनिमेशन ग्राफिक वगैरह सब चीज़ इन्होंने अभी तक बहुत सही दिखाई है, बहुत ही सही दिखाई है। मेरे को नहीं पता असली गेम आएगी तो क्या होगा, पर अभी तक जो भी इन्होंने एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है वो बहुत ही सही की है। तो अब जो भी है, अब मैं इसका ऑफिशियल गेम प्ले ट्रेलर नहीं है ऑफिशियल ट्रेलर देखता हूँ जो किया था कॉम्सकॉन 2023 में, और बहुत सही टाइम पर बाद उस बीच के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं। हाउ छो ये सुकुरु जे शिले तो पता मैंने एक चीज नोट की, पता नहीं क्यों जो इन्होंने अभी इसका फेस दिखाया ना मेरे को फेस सही नहीं लगा, पता नहीं क्यों, जो मैंने पहले गेम प्ले वीडियो वगैरह वो सारी देखी थी उसमें फेस मेरे को बड़ा शक्तिशाली तगड़ा और बहुत कोल्ड ब्लडेड टाइप लगा था। इसमें पता नहीं इन्होंने जब पास से शक्ल दिखाई तो मेरे को पास से इतनी शक्ल पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई, क्या पता ये जो उसका सीन है शायद उसकी जिंदगी बुरी चल रही हो, शायद उसका हालात बुरा चल रहे हो, शायद उसका पेट खराब हो, चाहे उसको सांस ना रही हो, चाहे उसको मिट्टी से मतलब नफरत हो, पता नहीं कैसे उसका शायद उसके फेस से मिट्टी लगी हो जो कि हमेशा होता रहा है, पर मेरे हिसाब से उसका फेस कुछ ना कुछ पंगा होगा। वैसे उसका फेस इन्होंने पहले बहुत सही दिखाया था, मेरे को यहाँ पर इसका फेस सही नहीं लगा, पर मेरे को फेस से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एक मंकी किंग है, मंकी किंग में स्टाइल हमेशा होता है और लोकेशन वगैरह बहुत सही है। स्टार्टिंग में इसमें मतलब नॉर्मल इंसान वगैरह नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं जिनको पहले पता ही होगा क्योंकि मेरी ये वाली वीडियो ही देखेंगे जिनको गेम का पहले से पता होगा, इसमें नॉर्मल इंसान नहीं है, उसमें ऐसे लोग हैं मंकी वगैरह मतलब ये पुराने एंशियंट टाइप के लोग हैं जो कि मतलब चाइना जापानीज जापान उस टाइप की स्टोरी उस टाइप के मतलब उनके लेजेंड्स के ऊपर है। पर जो भी है मैं वो स्टार्ट ही करता हूँ यार, क्या ही करना, आगे देखता हूँ। अरे मेरे को नहीं लगा था ये ट्रेलर में इतना कुछ रिवील कर देंगे, इतना कुछ दिखा देंगे, बॉस बैटल देखो सारी, एक तो इस गेम में मेरे साथ से बॉस बैटल बहुत होने वाली है, और जो इनका पता है मेन थीम क्या है इसमें एनिमल्स की फाइट है, मंकी किंग टाइगर किंग से लड़ेगा, मंकी किंग हिप्पो किंग से लड़ेगा, हिप्पो किंग मंकी वगैरह जो भी है मतलब आ जाके जानवर जानवरों से लड़ रहे हैं, और फाइटिंग स्टाइल देखो फाइटिंग स्टाइल कितना ही सही है, कितने स्टाइल से हर बॉस के साथ लड़ने का तरीका अलग है, हर किसी को मारने का तरीका अलग है, कस्टम सबके अलग अलग है, बहुत ही सही। मेरे को लगा था इतने ट्रेलर में गेम प्ले ट्रेलर में दिखाते वो अलग चीज है, पर नॉर्मल ट्रेलर में इतना कुछ रिवील कर देंगे मेरे को ये नहीं पता था, पर जो भी है सही है। अब आगे
बात तो है यार, बात तो है। इस गेम में वो बात है कि ये गेम ऑफ द ईयर बन सकती है, जैसे इसके ट्रेलर, जैसे इसके गेम प्ले, जैसे इसके बॉस, जैसे इसके एनवायरनमेंट, जैसे इसके लोकेशन, जैसे इसके ग्राफिक। इस गेम में वो बात है कि ये मतलब गेम ऑफ द ईयर बन सकती है, क्योंकि वैसे इन्होंने जो भी खेल रहा था बंदा बहुत ही स्टाइल स्मूथ और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से खेल रहा था, जो कि बहुत ही सही था, बहुत ही कमाल था। इसने बड़े स्मूथली खेला, जो ऐसा लग जैसे बॉस कुछ था ही नहीं, यही हीरो था, इसने सब कुछ पैदा कर रखा है, इसने पूरी दुनिया पर बनाई हुई है, संसार की पूरी रचना इसने की है, जो भी है बहुत ही सही था। मेरे को नहीं पता एंड कितने सेकंड रह गए, 20 सेकंड रह गए, इसमें कुछ दिखाते नहीं दिखाते, और मैं ज्यादा कुछ और बोलना नहीं चाहता। तो ये था ब्लैक, मैं बाबा भूल ही जा रहा हूँ इसका नाम, ब्लैक मिथ वू कॉन्ग, मैं ब्लैक किंग बोल रहा हूँ, ब्लैक मिथ वू कॉन्ग का गेम प्ले ट्रेलर, गेम प्ले ट्रेलर लगा मेरे को, पर ये था ऑफिशियल ट्रेलर। तो मेरे हिसाब से गेम इसके पास आने वाली है, गेम इसके रिलीज होने वाली है, मैं ज्यादा कुछ को बोलूंगा नहीं, मैं तो बोलने की जरूरत है नहीं। गेम प्ले मैंने ऐसा दिखा लिया कि मेरे वर्ड्स कम पड़ जाए, मेरा बोलने का तरीका कम पड़ जाए, मेरे को ज्यादा कुछ बोलने के शब्द ना मिले, क्योंकि गेम प्ले इतना ऑफिशियल ट्रेलर इतना सही कैसे हो सकता है मेरे को नहीं पता, पर ये गेम बहुत ही सही होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है, गेम ऑफ द ईयर मेरे को लगता है ये बन सकती है, ये बन सकती है, अगर इसमें कोई पंगा ना हो, अगर रिलीज के टाइम को दोबारा कोई ग्लिचेस वगैरह ना आ गए हो, बग्स ना आ गए हो। पर जिस गेम को इतना टाइम लग रहा बनने के लिए, अरे साइबर पंक का भी शायद ये सीन हुआ था, पर इसका शायद ना हो, क्योंकि इसका अभी तक तो सही दिख रहा है, इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी इन्होंने इतना लंबा टाइम दिया था रिलीज करने के लिए, तो गेम सही होनी चाहिए। बाकी हम जितना कह रहा था मैंने कह दिया, अब दूसरे को पानी पियो, अब नींद पूरी करो और सो जाओ।